नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स से लेकर सिक्स का क्वेश्चन मतलब साइंस का सारा चैप्टर देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। बहुत उसी पॉइंट को देखें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, बहुत ही मतलब एक चैप्टर मुश्किल से एक से दो पॉइंट होंगे जो एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं। तो मैं उसी को बस देखूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन से। चैप्टर एक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड के अंदर में क्या क्या होता है, खाने के अंदर में क्या क्या विटामिन पढ़ते ही होंगे, यही सब होता है। तो यही है। तो इसमें जो सबसे नीचे जो पॉइंट दे रखा है उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है मैं बताऊँगा, किस तरह से पूछा जाता है, ये सब याद रखिए। विटामिन ए से किसकी बीमारी होती है, आँख आँख की रोशनी से रिलेटेड विटामिन ए की कमी से बीमारी होगी। विटामिन बी वन से कौन सा होगा, बेरी बेरी होगा। बी से बी बी विटामिन बी बी से बी और बेरी बेरी। सी से होता है स्कर्वी, याद रखिए। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, याद रखिए, है ना। ये हड्डी की बीमारी, विटामिन डी हड्डी की बीमारी है। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट है बीमारी इस चैप्टर से, उसको याद रखिए। आयरन से एनीमिया होता है, ये आपको पता है। और पढ़िए, देखिए पूछेगा एनर्जी हमें कौन से फूड से मिलती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट को समझ के आता ही है, चावल वावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा होता है, एनर्जी मिलता है, आराम से सोते हैं, है ना। फैट से भी एनर्जी मिलता है, क्योंकि फैट टूटता है तो ग्लूकोज मिलता है आपको, तो एनर्जी मिलेगा। ग्रोथ मतलब शरीर बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है ना आपकी, और मेंटेनेंस, और वो मतलब सही तरीके से बढ़े, ये कौन देखता है, ये प्रोटीन देखता है, याद रखिएगा। ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन। और डिजीज़ मतलब जो आपको कि जो बाहर से डिजीज होता रहता है, जर्दी जुकाम या कोई हो गया, और उसको प्रोटेक्ट मतलब शरीर को कौन प्रोटेक्ट करता है, वो विटामिन प्रोटेक्ट करता है। यही तभी तो विटामिन की कमी से ये आपको बीमारी हो जा रहा है नॉर्मली, ठीक ना। ये बीमारी है मतलब हो सकता है ज़िंदगी भर है, तो ये विटामिन की कमी नहीं होना चाहिए ताकि डिजीज़ हमें कोई ना पकड़े। तो ये था चैप्टर वन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर दो को देखते हैं। दूसरा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो ये जो है ना आपका, इसमें ग्रुप में बनाना है, मतलब ये समझ लीजिए ये जो दे रखा है मैं बताता हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बस ये याद रखिए, ओपेक क्या होता है, जिससे आर पर एकदम नहीं होता, जिसे लकड़ी होता है, मोटा मोटा जो लकड़ी होता है उसके आर पर कुछ नहीं देखते, तो उसको ओपेक बोला जाता है। ट्रांसलूटेंट जैसे प्लास्टिक ग्लास होता है ना, वो होता है जिससे आर पर आप देख सकते हैं पर आधा अधूरा देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरह से हो, पूरा आर पर दिखेगा आपको। कुछ कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से दिखाते हैं ना आर पर, मानो शीशा वहाँ पर है भी नहीं, तो ये ग्लास ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूटेंट भी हो सकता है। कपड़ा जो कॉटन का कपड़ा होता है वो ट्रांसलूटेंट हो लगाया जाएगा। तो यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर से, जो आपको डिफिनेशन के तौर पे पूछ सकते हैं। तीसरा चैप्टर है सब्सटेंस को सेपरेट करना, मतलब कि कोई लिक्विड लिया है उसमें पेट्रोल और डीजल को अलग कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं सेपरेशन। तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। देखिए एक थ्रेसिंग होता है, आप गांव में देखते भी होंगे ये थ्रेसिंग, थ्रेसिंग याद कर रखिए। थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, ये जो देखते नहीं हवा में, हवा के झोंकों से जो बहुत सारा सामान जैसे कि तिल, तिल का जो दाना है वो नीचे गिर जाएगा और उसका जो कचरा है हवा में उड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनोइंग, मतलब हवा की हेल्प से इसको हटाएं। और थ्रेसिंग ये है जो आप धान का जो निकालते हैं, धान का जो मार मार के निकालते नहीं कचुम्बर, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। सीविंग क्या है, सीविंग देखिए इस तरह से है, जैसे बालू जब घर बनता है तो बालू में से कंकर वंकर मोटा वो अलग किया जाता है, मोटा मोटा कंकर और बालू को हटाया जाता है, तो वो क्या है, सीविंग है। सीविंग याद रखिए, सीविंग इंपॉर्टेंट टर्म सब एक पूछेगा कि डिफिनेशन पूछता है, पूछा भी है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन है जैसे कि आपने पानी में कंकर मिला दिया थोड़ा पतला पतला, तो धीरे धीरे क्या होगा, सेटल हो जाएगा नीचे, है ना, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे पानी में बालू मिला दीजिए, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा नीचे, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, है ना। डिकेटेशन बोलते हैं, जब पानी को
पानी और उसमें से डस्ट, मतलब पानी में जो भी डस्ट घुला हुआ है उसको हटा देते हैं किसी सामान से, तो उसको बोलते हैं डिकेटेशन। पहले में क्या था, पानी के अंदर में ही नीचे बैठ गया धीरे धीरे करके, है ना, उसको छोड़ दीजिए नीचे बैठ जाएगा बालू, उसके बाद ऊपर से पानी को हटा दीजिए फिर आप बालू आपको मिल जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या है, कोई गीला सामान उसके अंदर में पानी है, तो पानी को हटा दीजिए उसके साथ डस्ट निकल जाएगा, तो जो सामान बचेगा वही आपके काम का है, उसको को बोलते हैं डिकेटेशन। और फिल्ट्रेशन तो पता ही है, गाँव घर में आपके फिल्टर होता है ना, जैसे पानी आप शुद्ध पानी लेते हो, वही है फिल्ट्रेशन। और एक चीज़ याद करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड हो गया मतलब उसमें अब और उसमें और ज़्यादा मिला नहीं सकते, मतलब पानी में चीनी मिलाते जाइए, चीनी मिलाते जाइए मिलाते जाइए मिलाते जाइए, तो एक ऐसा समय आएगा चीनी फिर मिलना बंद हो जाएगा, एकदम मोटा बन जाएगा, पाग बन जाता है जिसको बोलते हैं देसी भाषा, तो उसी स्टेट को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट। प्लांट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हम इसमें जो है उसको जानेंगे। तो देखिए, हर्ब श्रब एंड ट्री, ये आपको पता होना चाहिए हर्ब श्रब और ट्री क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशन में वर्ड दिखा दूँ, क्योंकि यही वर्ड एग्जाम में पूछता है ना, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए उससे पहले एक यहाँ पर देख लीजिए, क्रीपर और क्लाइंबर। देखिए कुछ कुछ जैसे तरबूजा वरबूजा होता है ज़मीन पे फैलता है, आपका खीरा भी ज़मीन पे फैलता है, तो उस तरह के पौधों को क्या बोलेंगे, क्रीपर। तो क्वेश्चन क्या पूछिए, क्रीपर इसमें से नीचे वाले मतलब एग्जाम कौन से लोग क्रीपर है, कौन सा प्लांट क्रीपर है, आपको पता होना चाहिए। तरबूजा मतलब कैसे कैसे पैदा होता है देख लीजिए, उसमें रहेगा आपका खीरा रहेगा वो नीचे में पैदा होता है, करेला होता है नीचे में होता है, बल्कि वो क्लाइम भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं क्लाइम करना, मगर तरबूजा जैसा इतना क्योंकि इतना भारी भारी है वो ऊपर नहीं जाता है। और क्लाइंबर है जो ऊपर चढ़ जाते हैं ना, पकड़ पकड़ कर चढ़ जाएंगे। तो देखिए हर्ब का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, प्लांट जिसमें जो ग्रीन हो और स्टेम हो, जिसके अंदर स्टेम भी होता है ना। और श्रब क्या होता है, जिसके बेस में ही बहुत सारा ब्रांच आ गया है ना, जिसका स्टेम बहुत हार्ड होता है पर ठीक नहीं होता है ना, इसको बोलते हैं श्रब। तो दोनों में फर्क समझिए, देखिए इसमें स्टेम जो होता है मतलब ये जो गया है स्टेम, ये श्रब में के केस में श्रब होता है, सब होता है, सब मतलब कि इसके अंदर हार्ड होता है, ये हार्ड होता है इसमें मतलब बहुत लूज होता है, और ये छोटा, दोनों प्लांट छोटा ही है, ऐसा नहीं कि दोनों कोई बहुत बड़ा है, दोनों ही प्लांट छोटा छोटा होता है ये भी। पर एक बहुत बड़ा फर्क याद रखिए जिसके कारण आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें श्रब में जो इसका तन मतलब ब्रांच इसके अंदर है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसके बेस में ही बहुत सारा ब्रांचेज निकल आएगा, इसके इसमें ब्रांच कम होते हैं बेस में, ऊपर में थोड़ा होता है, इसके बेस श्रब में ही बेस में ब्रांच ज़्यादा होगा और ये मोटा होगा। तो एक पॉइंट याद रखिए सीधा, श्रब ये हार्ड, स्टेम हार्ड और ब्रांच नीचे में बहुत ज़्यादा, याद रखिए। ये देखिए जो पत्ते का जो ये सब पार्ट है इसको वेन बोला जाता है, याद रखिएगा, ये ऐसे फोटो से याद रखिए, क्वेश्चन आएगा बन जाएगा आपका, इस तरह से याद रखिए फोटो से और बन जाएगा आपका, उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो
फूल होता है, जैसे गुलाब के नीचे में जो हरा पार्ट है ना उसको सेपल बोला जाता है, याद रखिएगा, ऊपर वाले को पेटल बोला जाता है। ये सब पूछता है, पूछ रखा है एग्जाम में कि पेटल कौन सा पार्ट है, तो ऊपर वाला जो फूल एक्चुअल पार्ट है उसको पेटल है, पेटल, नीचे वाला सुत्तल है, सुत्तल, नीचे वाला होता है सुत्तल, तो सेपल है, सेपल, याद रखिए, सुत्तल है सेपल। फिर यहाँ पे देखिए, ये है स्टेमेन का पार्ट, ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल जो पार्ट होता है प्लांट का उसको बोला जाता है स्टेमेन। और उसके अंदर में क्या होता है, ऊपर में एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है, दो पार्ट कुछ देगा, फिलामेंट किसका पार्ट है, तो स्टेमेन का पार्ट है ना, ये क्वेश्चन इस तरह आते हैं, आए हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। इसके पिस्टिल, पिस्टिल मतलब ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, और इसके अंदर में तीन पार्ट है, नीचे में सबसे ओबरी होता है जहाँ पे ये जाइगोट फॉर्म होता है, ऊपर स्टिग्मा होता है, और फिर बीच में स्टाइल होता है, इसके बीच में क्या था, फिलामेंट था, इसके बीच में फिलामेंट था, इसके बीच में स्टाइल है, स्टाइल मार रहा है, फीमेल पार्ट है ना, इसे भी याद रख सकते हैं, फीमेल स्टाइल मारती है ज़्यादा, तो याद रखिए स्टाइल यहाँ पे हो गया, और उसको स्टिग्मा हो गया है ना, और ओवरी तो समझ में आएगा ही फीमेल पार्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 6 to 8 में, जो अभी आए भी है इस तरह से। और दो टर्म होते हैं, ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस, कंफ्यूज होगा, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी ना पत्ते से बाहर जाता है, पत्ते से बहुत सारा पानी आपके मतलब पेड़ के अंदर में बहुत सारा पानी हो गया तो पत्ते से इवेपोरेट करेगा पानी, वाटर वेपर, इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। और फोटोसिंथेसिस तो आप समझ ही रहे हैं, जो खाना पकता है जिस विधि से उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, इसमें बस याद रखिए अभी फिलहाल, वो खाना जो पकता है जिस विधि से उसको फोटोसिंथेसिस मिलता है, और इससे हमको ऑक्सीजन मिलता है, बाहर ऑक्सीजन निकलता है, इससे ट्रांसपिरेशन से हमको पानी बाहर निकलता है ना, वाटर, H2O। चलिए पांचवें चैप्टर में बड़ी मूवमेंट है, उससे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, मतलब बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड जो और भी पॉइंट आएंगे दूसरे चैप्टर में, आगे चैप्टर आएंगे तो उसके वीडियो में देख लीजिएगा, फिलहाल इसमें ऐसा नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं होगा आपको, मैं ये भी मान रहा हूँ, मतलब पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ पता है जो आपको पता ही है, जैसे हम ये है अब ये देख रखा है, अब स्नेल है, अब पूछेगा स्नेल कैसे मूव करता है, ये तो आपको पता ही है, क्रॉल करके करता है, धीरे धीरे करता है, आपको पता ही है, तो ये मान के, इसलिए मैं हर चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी को दिखा रहा हूँ। छठा चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक और हैबिटेट, कहाँ वो रहते हैं, तो देखिए ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वही सब हम लोग जो है सब ऑर्गेन है, ऑर्गेन जिसके अंदर ऑर्गेन होता है ना वो ऑर्गेनिज्म है। ये पूछ लेगा आपसे टेरिस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, तो जो जंगल वंगल में रहते हैं प्लांट एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, लैंड में एक तरह से, तो उसको बोलेंगे टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे हम लोग रहते हैं ना लैंड पे, जमीन पे, उसको टेरिस्ट्रियल बोलेंगे। एक्वेटिक मतलब समझ रहे पानी वाला, बायोटिक मतलब जिसमें जान है, जान, ये बायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं है, जैसे जैसे कि जान नहीं मतलब क्या, लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी, यानी पेड़ मत लकड़ी बोलिए, देखिए हैबिटेट कहाँ है, सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उसको हैबिटेट बोला जाता है, तो ये डिफिनेशन थोड़ा देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे हैं। अडेप्टेशन क्या होता है, मतलब जिस सराउंडिंग में रह रहा है वो आदमी उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता है ना, गर्मी को झेलना शुरू करता है, ठंडा को झेलना शुरू करता है, तो वही अडेप्टेशन है। पार्टिकुलर हैबिटेट में आदमी प्लांट और एनिमल को जिस तरह से वो अपने आप को
अडेप्ट कर रहा है, उस ढाल रहा है वहाँ पर रहने के लिए, वही अडेप्टेशन। चलिए सातवें चैप्टर में है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए मोशन क्या होता है आपको पता है, ये मेजरमेंट क्या होता है पता है, डिस्टेंस क्या होता है पता है। इसलिए मैं एक ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट बता रहा हूँ इसमें जो आपको ऑलमोस्ट नहीं पता होगा या एग्जाम मतलब जल्दी जल्दी में आप मिस कर जाते हैं और उस पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ इन सभी में। तो देख लीजिए आपको सर्कुलर मोशन पता ही होगा, सर्किल के खिलाफ जो घूमता रहता है, एक सेंटर के तरफ जो घूमता है वही सर्कुलर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में जो घूम रहा है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। पूछ लेगा स्ट्रेट लाइन मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा पूछता है। पीरियोडिक मोशन क्या है, जो हर एक समय के बाद रिपीट करता है, मतलब वो 5 सेकंड में दिखेगा फिर चला जाएगा, फिर 10वां सेकंड में दिखता है वो चीज़, फिर 15वां सेकंड में दिखता है वो चीज़, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। समय कुछ कुछ समय एक फिक्स समय 5 सेकंड के बीच के बाद वो हमेशा आपको दिख रहा है, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। 8वां क्वेश्चन, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट आपको पता ही है वो बना होता है, लाइट जो बना होता है ना उसको जो सबसे छोटा जो उसका वैल्यू होता है ना उसको बोलता है फोटोन। जैसे अब एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन से बना होता है, ऐसे ही जो है ना लाइट बना होता है फोटोन से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसको फोटोन बोला जाता है। तो ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके अंदर अपना औकात है, जैसे सूरज है, सूरज से जो खुद से वो लाइट दे रहा है उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। याद कर लीजिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का, पूछ लेगा सूर्य ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नीचे में से कौन है, तो डाल देगा सूर्य, एलईडी बल्ब डाल देगा, तो एलईडी बल्ब नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर हमको करंट देना पड़ता है तब जाके वो जलता है, सूर्य डाल देगा। ये जुगनू एक होता है ना, एक जुगनू एक जानवर जो उसके अंदर खुद से लाइट आता है, अंदर में खुद उसका औकात है, तो ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि खुद से पैदा कर रहा है लाइट को। अब यहाँ पे देख लिए, यही पे दूसरे चैप्टर में बताया था ओपेक, जिससे एकदम डज नॉट अलाउ, मतलब उसके अंदर से पास नहीं होगा, अब पार्शियली होता है ट्रांसलूसेंट में, और ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से हो जाता है, ट्रांसपेरेंट में क्लियरली हो जाता है, क्लियरली लाइट पास हो जाता है, तो दिमाग में रखिए। और लाइट जो है ना स्ट्रेट लाइन में जाता है, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसको क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, अभी पढ़ा था ना हमने रेक्टिलिनियर मोशन। तो 9वां चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी और वो कैसे फ्लो करता है वही है इसमें, इस चैप्टर में मेन। तो अब इतने बड़े हो चुके इलेक्ट्रिसिटी और ये सब सब कुछ जान चुके हैं ना, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और इसमें कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक सेल से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, बैटरी लगाते देखते रेडियो बजने लगता है, लाइट बलने, तो यही होता है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आपको पता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सब पूछते हैं, अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो यही सब आएगा, उससे अलावा कुछ पॉइंट आ सकते हैं बहुत ही रियल चांस से, पर वो आने से आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन आएंगे तो ये बनेंगे भी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद क्लियर कट याद आएगा। तो इसको देख लीजिए इस वीडियो को 2-4 बार, पूरा आपका समझिए साइंस 6 का ख़त्म हो गया, यही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम।